ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले गए T20 सीरीज के पहले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने रनों की बारिश कर डाली। चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए सूर्या ने कंगारू गेंदबाजों की जमकर खबर ली और अपनी 360 क्रिकेट से भारतीय फैंस का खूब मनोरंजन किया। सूर्या ने 9 चौके और 4 छक्के की मदद से सिर्फ 42 गेंदों पर 80 रन बनाए। इस पारी को देखकर फैंस जरूर सोच रहे होंगे कि क्या ये वही सूर्या हैं जिन्होंने चंद दिनों पहले वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान अहमदाबाद की पिच पर रन बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। सूर्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस फाइनल मैच में 18 रन बनाए थे, वो भी 28 गेंदों पर। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड कप के दौरान सबसे बड़ी गलती क्या हुई जिस कारण सूर्या वर्ल्ड कप जैसे बड़े मैच में इतना बुरा खेले और उन्हें रन बनाने में इतना संघर्ष करना पड़ा। सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट के तो नंबर 1 बल्लेबाज हैं, लेकिन वनडे इंटरनेशनल में उनके आंकड़े काफी बुरे हैं। सूर्या ने अब तक 37 वनडे मैच में 35 पारियों में 2.76 की औसत से अब तक 773 रन बनाए हैं। वहीं T20 इंटरनेशनल में इस बल्लेबाज ने 54 मैचों में 46.85 की एवरेज से 1920 रन बनाए हैं। T20 इंटरनेशनल में सूर्या का स्ट्राइक रेट 173.37 का रहा है, जो वनडे क्रिकेट की तुलना में काफी अधिक है। सूर्या ने वनडे इंटरनेशनल में सिर्फ 4 अर्धशतक लगाए हैं, वहीं T20 इंटरनेशनल में वह अब तक 3 शतक और 16 अर्धशतक जड़ चुके हैं। इन आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि सूर्या सिर्फ T20 फॉर्मेट के बल्लेबाज बनकर रह गए हैं। चंद दिन पहले हुआ वर्ल्ड कप जिसमें सूर्या का प्रदर्शन काफी बुरा रहा, वही अब T20 में उनका जोश देखने लायक है। सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, वर्ल्ड कप फाइनल्स में गलती रोहित शर्मा जो कि कैप्टन रहे हैं और कोच राहुल द्रविड़ से हुई, जिन्होंने सूर्या को बैटिंग के लिए 7वें क्रम पर भेजा था। सूर्या ने जिन मैचों में पोजीशन 2, 3, 4, 5 पर बल्लेबाजी की है उसमें उनका प्रदर्शन दिल को छू जाने वाला रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में सूर्या की पोजीशन गलत थी इसलिए वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, या फिर वो वर्ल्ड कप जैसे फॉर्मेट के खिलाड़ी ही नहीं है और सिर्फ T20 मैच में स्पेशलिस्ट हैं? तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए लाइव UP न्यूज़ 24।